हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आपको तीन ऐसी फिटनेस मिस्टेक्स जिनकी वजह से आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। सबसे पहली, ओवर कॉन्फिडेंट होना। मतलब कि हम ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि हम दिन के 2 घंटे जिम कर लेंगे या फुल वीक एक्सरसाइज करते रहेंगे, ना हम रेस्ट करेंगे ना हम फास्ट फूड खाएंगे। पर ऐसी थिंकिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ते ही चलती है। आपको करना क्या चाहिए कि छोटे गोल सेटअप करो और वीक बाई वीक उनको अचीव करो। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। दूसरा, हर किसी की एडवाइस को फॉलो करना। वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी जिम में, हर एक बंदा खुद को ट्रेनर समझता है और जो टिप उसने किसी और से सुनी होती है वही आगे आपको बता देता है। उसको खुद नहीं पता कि वो सही बोल रहा है या गलत, बस बोल रहा है। आपको करना क्या चाहिए, हर जिम में आपको जो ट्रेनर मिलेगा जिसको असल में नॉलेज होगी उससे पूछो। इवन चाहे आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं भी ले रहे हो, फिर भी आपका ट्रेनर आपको गाइड ज़रूर करेगा। तो आपको ट्रेनर से पूछना चाहिए, ना कि जिम में किसी की भी टिप को मान लेना चाहिए। थर्ड है, डाइट पे ध्यान ना देना। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या खा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। आप वैसे ही बनोगे जैसे आप खाओगे। अगर आप रेगुलर फास्ट फूड खा के सोचते हो कि जिम जाकर आप फिट हो जाओगे तो आप बिल्कुल ही गलत हो। आपको फिट रहने के लिए क्वालिटी फूड खाना पड़ेगा। आपकी डाइट ही आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ और डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने पैसे अच्छी डाइट लेने में खर्च करो। आपको पता होना चाहिए कि जो आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए कितना ठीक है कितना नहीं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दो, और अगर ज़्यादा पसंद आया तो फॉलो भी कर दो। थैंक यू।